बैंक ग्राहकों की सेवा और सुविधा के लिए खोले गए ग्राहक सेवा केंद्र ग्राहकों के लिए ही मुसीबत का सबब बन गए हैं। नगर शहर में सर्विस चार्ज के नाम पर बैंक ग्राहकों को धड़ल्ले से लुटा जा रहा है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। ग्राहकों को लुभाने और उन्हें आकर्षित करने के लिए कई राष्ट्रीय बैंकों की ओर से बड़े बड़े विज्ञापन चलाए जाते हैं। विभिन्न बैंकिंग सेवाओं की जानकारी भी दी जाती है। कई बैंक तो इंसानी रिश्ते और जज्बातों को बैंक के एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के रसायन में घोलकर अजीबोगरीब इमोशनल टैगलाइंस के जरिए ग्राहकों से अटूट रिश्ते की दुहाई देते हैं। मसलन कोई बैंक खुद को भरोसे की परंपरा कहता है, कोई खुद को देशवासियों का बैंक कहता है, तो कोई अपनी बैंकिंग को रिश्तों की जमा पूंजी का नाम देता है, कोई खुद को भरोसे का प्रतीक कहता है, तो कोई खुद को भरोसेमंद साथी बताता है। हालांकि जमीनी स्तर पर यह सारी टैगलाइनें खोखली साबित होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिग्रस शहर में SBI और अन्य बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्रों में बैंक ग्राहकों से सर्विस चार्ज के नाम पर धड़ल्ले से लूट जारी है। EKYC का काम हो, खाता खोलना हो, या खाते में पैसे जमा कराना हो, या खाते से पैसे निकालना हो, हर काम के लिए कई ग्राहक सेवा केंद्र मनमाने तरीके से ग्राहकों से पैसा ऐंठ रहे हैं, जबकि बैंकिंग नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार इन कामों के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। आपल्या विभागातील प्रत्येक शेतकरी आपापले खाते प्रत्येक बँकेत जाऊन आपापल्या बँकेत जाऊन EKYC करून घेत आहे आणि आपला आधार कार्ड भी आपल्या खात्याशी लिंक करून घेत आहे। याचा ग्राहकाकडून याचा फायदा घेऊन दिग्रस स्टेट बँकेत तसं नियमानुसार EKYC बँकेच्या शाखेतच व्हायला पाहिजे, परंतु जास्त गर्दी होते आणि ग्राहकांना थोडंसं त्रास कमी व्हावा म्हणून जे स्टेट बँकेचे सेवा केंद्र दिग्रसमध्ये 10-12 जे काही चालू असेल स्टेट बँकेतर्फे दिलेले आहे त्यांना स्टेट बँकेतर्फे सांगितलेलं आहे की ग्राहकांचं EKYC तुम्ही करून द्या आणि त्याच्या ऐवजमध्ये एकही पैसा घेता येत नाही आणि घेतला जाणार नाही। परंतु दिग्रसच्या काही ह्या स्टेट बँकेच्या सेवा केंद्रवाल्यांनी सेवा केंद्र धारकांनी अशिक्षित ग्राहकांचा किंवा शेतकऱ्यांच्या अशिक्षितेचा फायदा घेऊन प्रत्येक EKYC करण्याचे 20 रुपये सर्रास घेणं सुरू केले आहे। शासना स्टेट बँकेच्या नियमानुसार एकही पैसा चार्ज घेता येत नसताना सुद्धा प्रत्येक ग्राहकापासून 20 रुपये वसूल करणं अवैधरित्या वसूल करणं यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्याची लाखो करोडो रुपयाची लूट सर्रास दिग्रसमध्ये सुरू आहे। माझं असं मत आहे की भारतीय स्टेट बँकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन ग्राहकाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आता हजारो ग्राहक स्टेट बँकेचे असतील आणि प्रत्येकाला ही KYC करणे अनिवार्य आहे तर एका ग्राहकाकडून 20 रुपये आणि हजारो लाखो ग्राहकाकडून किती रुपयाचं घोळ होत असेल हे पाहून योग्य ते तातडीने पावले उचलून ज्या ग्राहकाकडून अवैधरित्या वसूल केलेले आहे त्यांचे पैसे परत देण्यात यावे आणि याच्यानंतर जर अवैधरित्या वसुली करत असेल हे स्टेट बँकेचे सेवा केंद्रवाले तर त्यांची जे तुम्ही परमिशन दिली असेल सेवा केंद्र उघडायची ते त्वरित रद्द करण्यात यावी अशी माझी मागणी आहे। ऐसा नहीं है कि शहर में हर ग्राहक सेवा केंद्र पर ग्राहकों की आर्थिक लूट जारी है। कई सेवा केंद्र लोगों को निशुल्क सेवा देकर ग्राहक सेवा कार्य को हकीकत में साकार भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बाज नहीं आ रहे। इस बारे में पूछे जाने पर SBI के मैनेजर रंजीत सिन्हा ने SBI ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों की मीटिंग लेकर उन्हें इस बाबत सख्त ताकीद करने का आश्वासन दिया। वहीं बैंक ऑफ इंडिया की दिग्रस शाखा के मैनेजर ने बैंक ग्राहकों से इस बाबत शिकायत मिलने पर हर संभव कार्रवाई करने की बात कहते हुए बैंक ग्राहकों से बैंक की समस्याओं को बैंक को अवगत कराने का आग्रह किया ताकि समस्या का निवारण तत्काल हो सके। बहरहाल बात चाहे जो भी हो, बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक सेवा केंद्र के नाम पर कमीशन खोरी का धंधा करने वालों पर नकेल कसना समय की मांग है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।